हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस में टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम तीन मूनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे। फिर हम आपके लिए एक देखेंगे कि इस सप्ताह आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो भी आपका आंसर होगा उस आपके जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके क्वेश्चन का एंजल जी आंसर देंगे। तो ये रीडिंग 12 से लेकर 19 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम तीन मूनोलॉजी के कार्ड लेते हैं जो आपको मैसेज या गाइडेंस दे सकते हैं कि इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है। तो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे एंड बॉटम ऑफ द डेक शो द वर्ल्ड द रियल यू। यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप जैसे हैं, जो भी हैं, सही हैं। आप दुनिया को बदल कर मत दिखाइए, अपने अंदर ये मत दिखाइए कि आप को चेंज होने की ज़रूरत है या किसी के लिए बदलने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं बिल्कुल सही हैं। तो और योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यूनिवर्स ही आपको बताना चाहते हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। उसमें आपकी मेहनत जो है रंग लाने वाली है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि अपने अहम अपने रास्ते में घमंड को मत आने दीजिए, यानी कि अपने ऊपर अहम को किसी चीज़ को लेकर भी घमंड मत दिखाइए, अहम मत कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर उसको हावी कर लेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। और सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जिस अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, जो आप करना चाहते थे, जिसका आप रिजल्ट का इंतज़ार था। तो जैसा आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। तो देख लेते हैं इस सप्ताह आपका जो लव लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ कैसी रह सकती है। तो स्कॉर्पियो, जिस चीज को लेकर हो सकता है कि आपको परेशानी तकलीफ हो रही थी, या तो नए रिश्ते के लिए हो रही थी, या फिर जो आपका रिश्ता बना था सामने वाले ने आपको दुख तकलीफ दिया है, या आपने उनको दिया, कोई ना कोई ऐसा कारण हुआ है कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा। तो उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस, उस प्रॉब्लम से आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक नया मौका देंगे, रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, या अमावस्या की रात के बाद, जैसे अमावस्या की एक अंधेरी रात होती है लेकिन धीरे धीरे करके उसकी रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक वो पूर्ण रूप से बढ़ जाती है और अपनी लालिमा को, अपनी चांदनी को पूरी तरह से बिखेर देती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। तो उसी तरह से अगर आप उठ कर चलेंगे, उसी उम्मीद के साथ आप सामने वाले से खुल कर बातें करना चाहते हैं, अपने पर्सन से, कि अगर आप खुल कर बातें करेंगे, जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी लस्ट या एडिक्शन, जो भी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, वो सारी जो है दूर होंगी। और उसमें परिवार और फैमिली का अगर आप सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम आई थी, एक परिवार, एक फैमिली की तरह वो रिश्ता बन सकता है, खुशियां आ सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस आपके पास आएंगी। लेकिन आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना पड़ेगा। चीज़ें आपके फेवर में हैं लेकिन
या कह सकते हैं कि वो ऑन द वे है, रास्ते में है, लेकिन वो खुशहाली आपको जरूर मिलेगी। उसमें समय लगेगा, किसी के लिए 3 दिन का समय लगता है, किसी के लिए 3 सप्ताह का, और किसी के लिए 3 महीने तक का भी समय इसमें लग सकता है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो आपका काम पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो इसमें देख लेते हैं आपका आंसर। तो जो भी अभी आपका क्वेश्चन है, अपनी आंखें मूंदिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है 3 बार अपनी अंतर आत्मा से, अपने दिल दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू होता है। आप धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, अपनी आँखें खोलिए। जैसे ही आप अपने आँखें खोलेंगे तो एंजल जी आपके सवाल का जवाब देंगे। तो जिस पर जितना मैच होता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सब पर मैच नहीं हो सकता क्योंकि जनरल है, लेकिन जिस पर जितना मैच होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो आपका आंसर है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यूनिवर्स जी यानी कि एंजल जी, जिसको आप अपना यूनिवर्स कहें, अपना इष्ट देव कहें, देवी देवता कहें, कुछ भी कहें, जो भी नाम दें, लेकिन चीज़ एक ही है, अपना मसीहा कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी नाम दें, भगवान कहें, गॉड कहें, तो एंजल जी आपके जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं कि गेट फॉर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपको अभी और जानकारी हासिल करनी है। अभी जितनी जानकारी आपके पास है उस जानकारी से आपका काम नहीं चलने वाला है। अभी आप कलेक्ट कीजिए जानकारियाँ, जाँच पड़ताल कीजिए, और तभी आप आगे बढ़िएगा। रिमेन पॉजिटिव, अपने पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह में आपका जो है अच्छा समय आ सकता है। आप अगर पॉजिटिव बनेंगे और उसके लिए जानकारी हासिल करेंगे तो उसमें आपकी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, आगे बढ़ने में, पॉजिटिविटी लाने में कुछ सप्ताह लगेंगे। धीरे धीरे करके आप का अच्छा समय आ सकता है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी जो आपका समय चल रहा है वो आपके फेवर में नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। अभी आपको उसके लिए और जानकारी हासिल करनी पड़ेगी तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगी है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।